नमस्कार साथियों, मैं श्याम कुमार। तो आज का वीडियो आप लोग के लिए खास होने वाला है। जैसे कि आप लोग पोषण ट्रैकर में 10.0 तक आप लोग को वर्जन जा चुकी है और सभी सेविका को इस वर्जन में आप लोग को सभी सेविका को जानना होगा। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि फर्स्ट नंबर नोटिफिकेशन फीचर आप लोग को दिया गया है। तो आप लोग इतना समझ लीजिए कि जितना भी सेविका अगर आप लोग काम कर रहे हैं पोषण ट्रैकर में, तो सबसे पहले आप लोग को नोटिफिकेशन फीचर ही आएगा और नोटिफिकेशन फीचर पर आप लोग को जो भी जानकारी आप लोग को नोटिफिकेशन फीचर पर ही मिलेगा। तो आप लोग को इसके बारे में हम लोग खास जानकारी देंगे। जैसे कि आप लोग सेकंड नंबर में आप लोग देख रहे होंगे इवेंट्स पेज, यानी कि CBE and VHSND। तो ये आप लोग को नया फीचर आया है, यानी कि इवेंट्स में आप लोग देखेंगे तो आपने योगा जो आप लोग ने जैसे कि इवेंट्स आप लोग देख रहे होंगे, तो इवेंट्स में आप लोग को पहले भी आपने इवेंट्स में काम किए हैं। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि योगा दिवस जब मनाया गया था तो आप लोग को पोषण ट्रैकर में इवेंट्स में आया था। तो इसी में इवेंट्स में आप लोग को CBE and और यहाँ पे VHSND आप लोग को आया है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि कैसे आप लोग को करनी है और क्या जानकारी मिलती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं पोषण ट्रैकर में न्यू वर्जन आई है, यानी 10.0 वर्जन आई है। इसमें हम लोग कुछ जानेंगे, यानी कि आप लोग इस तरह से अगर खोलते होंगे तो आप लोग को अपडेट नहीं दिखाएगा। इसमें बहुत सारे जानकारी आई है, यानी कि दो अपडेट आई है। इसमें आप लोग को सभी आंगनबाड़ी सेविका को जानना होगा। जैसे कि अगर आप लोग इस तरह से रखेंगे तो आप लोग को पोषण ट्रैकर अपडेट अब नहीं होगा, क्योंकि आप लोग को सबसे पहले इसको हटा देना है, यानी कि और उसके बाद अपने मोबाइल में यहाँ पे जो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे प्ले स्टोर, इसमें अगर आप लोग क्लिक करते हैं तो आप लोग को इस तरह से पेज के आएगी। और आने के बाद यहाँ पे आप सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे सर्च ऑप्शन रहता है, यानी कि जितना भी सेविका है यहाँ पे आप लोग को सर्च फॉर ऐप, तो यहाँ पे आप लोग को क्लिक करना होगा। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पे कीबोर्ड खुल के आ जाएगी और आने के बाद आप लोग को क्या करना होगा कि यहाँ पे पोषण ट्रैकर टाइप करनी होगी। तो आप लोग जैसे ही पोषण ट्रैकर टाइप करेंगे तो इस तरह से आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे जब से ही हमने पोषण ट्रैकर ऐप डाउनलोड किए हुए हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आप लोग को यहाँ पे अपडेट करने का ऑप्शन आ चुका है। तो इसमें आप लोग जानेंगे, यानी कि 10.0 जो ये वर्जन आई है इसमें हम लोग कुछ खास जानकारी जानेंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अपडेट मारेंगे इसको, तो आप देखते रहिए कि कैसे हम अपडेट करते हैं। इसमें जानकारी है, ये एक नोटिफिकेशन का जितना भी आंगनबाड़ी सेविका है उसमें आप लोग नोटिफिकेशन को किस तरह से आप लोग को आएगी, उसमें क्या क्या जानकारी आएगी, ये सब के बारे में हम लोग आज जानेंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि पोषण ट्रैकर जैसे ही हमने इंस्टॉल किया और इंस्टॉल करने के बाद आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर हमने अपडेट कर दिया। करने के बाद आप लोग देखेंगे कि सबसे पहले आप लोग यहां से भी ओपन करके अंदर में जा सकते हैं, या नहीं तो आप लोग इसको काट देंगे और यहां पे देखेंगे यहां पे पोषण ट्रैकर, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि यहां पे हमने जो पोषण ट्रैकर अपडेट किए हैं तो यहां पे हम लोग का अपडेट आ चुका है। तो आप लोग को फर्स्ट नंबर आप लोग को अपडेट देखने के लिए हम दिखाते हैं कि सबसे पहले हम लोग यहाँ से लॉग आउट करते हैं, यानी कि यहाँ पे हम जैसे ही लॉग आउट करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि यहाँ आप लोग लॉग आउट नहीं कीजिएगा, लेकिन हम आपको दिखाने के लिए लॉग आउट कर लिए हैं। आप लोग ऐसे भी आप लोग चला सकते हैं आप बिना लॉग आउट किए हुए। तो यहाँ पे सबसे नीचे में आप लोग देखेंगे कि यहाँ जो वर्जन दिया गया है 10.0, तो इसमें अपडेट आई है। चलिए हम सबसे पहले जानते हैं, सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर डाल लीजिए, यानी कि अपडेट करने के बाद अगर आप लोग लॉग आउट मार दिए होंगे तो आप लोग यहाँ पे अपडेट करने के बाद आप लोग सबसे पहले मोबाइल नंबर और MPIN डाल देंगे। और अगर आप लोग जो भी सेविका लॉग आउट नहीं किए होंगे तो डायरेक्ट आप लोग चला सकते हैं, क्योंकि जैसे ही अपडेट करेंगे तो आप लोग को ऑटोमेटिक वहाँ पे अपडेट हो जाएगी और जितना भी फंक्शन नया आते रहता है तो आप लोग को ऑटोमेटिक वहाँ पे शो करते रहेगी। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले मोबाइल नंबर डाल लेते हैं, जो मोबाइल नंबर हमने आंगनबाड़ी सेविका को दी है। तो जैसे ही हमने यहाँ पे खोला तो आप लोग सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे जैसे हमने पोषण ट्रैकर खोला तो आप लोग को इस फेस में आप लोग को कुछ चेंजेस नज़र आ रही होगी। तो आप लोग देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे आप लोग का यहाँ पे घंटी का निशान दिया जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए कि ये नोटिफिकेशन फीचर दिया गया है। तो आप लोग जितना भी आंगनबाड़ी सेविका अगर कोई भी चीज़ मैसेज आती है तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी तो आप लोग को यहाँ पे बेल दिखाया जाएगा, यानी कि घंटी का साइन। तो यहाँ पे अगर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप जितना भी है जो भी
भी कैटेगरी यानी कि कोई भी चीज़ अपडेट आएगी तो आप लोग को सबसे पहले यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया जाएगा। तो आप लोग को समझ जाएगा कि माई नोटिफिकेशन यहाँ पे आप लोग को दिया गया है और इन एक्टिव में भी आप लोग को शो करेगा, लेकिन अभी इसमें रिकॉर्ड कुछ नहीं दिया गया है। अगर आती है जैसे ही तो आप लोग को इसके बारे में खास जानकारी और भी देंगे, क्योंकि इसमें अगर अपडेट आती है तो इसका भी वीडियो हम बताएंगे, लेकिन इसमें अभी नोटिफिकेशन नहीं आई है इसलिए आप लोग को यहाँ पे खाली दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे आप लोग को सभी सेविका को यहाँ पे नोटिफिकेशन जरूर आएगी। फर्स्ट नंबर आपने ये बदलाव देखा, सेकेंड नंबर में हम लोग देखते हैं कि जैसे कि हम लोग इसको बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद आप लोग देखेंगे कि जैसे कि हमने यहाँ पे इसको इस पर क्लिक नहीं करना है, आप लोग को यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोग देखेंगे कि यहाँ सबसे पहले आप लोग को मोर ऑप्शन दिया गया है, यानी कि यहाँ पे मोर ऑप्शन में जाएंगे और जाने के बाद आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे यानी कि इवेंट्स में। यहाँ पे अगर आप लोग क्लिक करते हैं ये इवेंट्स में तो इसमें भी आप लोग को अपडेट मिली है। जैसे कि आपने जब सबसे पहले आपने अपडेट किया था योगा का आप लोग को ऑप्शन दिया गया था तो आप लोग इवेंट्स में आप लोग को दिया गया यानी कि घटना क्या क्या होती है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हमने जब योगा दिवस आई थी तो यहाँ पे हम लोग ने योगा दिवस मनाया था और इसी तरह से आप लोग को यहाँ पे देख रहे होंगे VHASND यहाँ पे आप लोग को दिया गया है और CBE तो ये आप लोग को यहाँ पे जब होगी तो आप लोग को यहाँ पे मनाना होगा। तो इस तरह से आप लोग देखें हैं कि इस तरह से हम लोग का यहाँ पे दो ऑप्शन आ गई है CBE और VHASND यहाँ पे आप लोग को आ गए, यानी कि आप लोग को ये जो जब इवेंट्स मनाई जाएगी तो आप लोग को इसमें भी आप लोग को मनाया जाएगा। तो इस तरह से आप लोग को देखने के लिए मिला कि यहाँ पे जब जो भी आप लोग को अपडेट आई है यानी कि आप लोग को दो अपडेट आई है तो यहाँ पे इवेंट्स में यहाँ पे दो अपडेट यहाँ पे आप लोग को देखने के लिए मिला और यहाँ पे हमने एक नोटिफिकेशन का आप लोग को देखने के लिए मिला है कि जैसे कि यहाँ पे हमने लोग का नोटिफिकेशन दिया गया है। तो इस तरह से आप लोग को इस 10.0 में आप लोग को यही आप लोग को अपडेट आई थी। तो इस तरह से अगर आप लोग को ज़्यादा जानकारी अगर और भी चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर हमारे वीडियो में कमेंट कीजिए, आप लोग जल्द से जल्द कमेंट कीजिएगा, इससे आप लोग को जल्द से जल्द हमारे तरफ से जितना भी जानकारी होगा आप लोग को बता दिया जाएगा। तो वीडियो में बस आज के लिए इतना ही, तो थैंक यू हमारे वीडियो में बने रहने के लिए, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।